नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दानापुर में साईं बाबा की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े के साथ निकली इस शोभा यात्रा को देखने ही बन रहा था। शोभा यात्रा से पहले साईं आंगन में साईं बाबा की आरती की गई, उसके बाद साईं बाबा की पालकी निकाली गई जिसे भक्तों ने अपने कांधे पर लेकर भ्रमण किया। बड़ी संख्या में भक्तगण इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज की रात खास खगोलीय घटनाओं यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के लिए याद किया जाएगा। आज मंगल ग्रह 21वीं शताब्दी का सबसे लंबे समय का चंद्र ग्रहण होगा। आज की रात डेल्टा एक्वेरियस उल्का वृष्टि चरम पर रहने वाली है। एक ही रात में होने जा रही तीन आकर्षक खगोलीय घटनाएं आज की रात को यादगार बनाने जा रही है। आज की रात मंगल व चंद्रमा एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए। नालंदा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां जन्म के कुछ देर बाद ही किसी कलियुगी मां ने अपने नवजात बच्ची को झोपड़ियों में फेंक दिया। ग्रामीणों ने जब झाड़ियों से बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो जाकर देखा एक मासूम भूख से बिलख रही थी। वहीं बिंद गांव निवासी सुनील रविदास की पत्नी क्रांति देवी ने माँ की लाज रखते हुए नवजात बच्ची को अपने घर ले आए, जहाँ बच्ची की एक झलक पाने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। नालंदा के लहेरी थाना इलाके के रामचंद्रपुर शिवपुरी मोहल्ले में छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक शिक्षक की लोगों ने जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि छात्रा जब कोचिंग पढ़ने जाती थी तो अक्सर शिक्षक चंद्रशेखर उसे मोबाइल में अश्लील वीडियो और तस्वीर दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। यही नहीं, वह छात्रा के साथ अपनी तस्वीर खींचकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। छात्रा ने शिक्षक के इस करतूत को अपने परिजनों को बताई तो परिजनों और मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर कोचिंग पहुंचे और शिक्षक को पकड़कर उसकी धुनाई कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायक और विधान पार्षद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली राशि में 1 करोड़ रुपए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, जिसे विधायक फंड भी कहा जाता है, में 1 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक और विधान पार्षद को पूर्व में प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते थे, अब उन्हें प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे विधायक अपने क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा विकास के काम करवा सकेंगे। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन कीजिए सिटीपोस्टलाइव.com पर।